हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोमिन, आप ठीक हैं? तुम ठीक हो ना? घबरा क्यों गई? मैं ठीक हूँ, वो आपकी कॉल आई तो मैं डर गई थी। अच्छा, मेरी कॉल से डर लगता है, मुझसे नहीं लगता। नहीं, वो आपने कभी कॉल नहीं किया ना इससे पहले, जो तभी रियलाइज हुआ है कि आपका नंबर सर मोमिन के नाम से अभी तक सेव्ड है मेरे फोन में। मोबाइल की फोन बुक में एडिट का ऑप्शन होता है सर, मोमिन से सिर्फ मोमिन कर। मैं आप माजी के तल खवालों को भुला देना चाहिए। ये आप कह रहे हैं? हाँ, सिर्फ कह नहीं रहा, भूलने की कोशिश भी कर। आपने मुझे बताया नहीं, आपने फोन क्यों किया था? मैं वो शाम में ट्यूशन से जल्दी फ्री हो जाऊंगा, कहीं बाहर चलते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, तुम सोच नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। ये सब आप ही की दुआओं का नतीजा है आंटी। अल्लाह हमेशा तुम दोनों को मेरी दुआओं के हिसार में रखे बेटा। आमीन। मैं तो सोच रही थी कि आज मैं मोमिन से कहूंगी वापसी में फरी की तरफ भी चलते हैं। अरे बेटा, फरी की तरफ फिर कभी चली जाना। अब अगर
मोमिन राजी हो गया तुम्हें बाहर ले जाने के लिए तो वहीं जाओ जहां वो लेकर जाना चाह रहे। ठीक है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी से हर दुख हर परेशानी को दूर कर दे। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरी बात का मान रख लिया। बहुत अच्छी लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? नहीं माया, जरूरत नहीं है उसकी। बस तुम तैयार हो जाओ तो फिर चलते। अच्छा बस एक मिनट। सुनो ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अच्छे हैं ना? बहुत खूबसूरत हैं। हाँ तो यही पहन लो। सच क्या बात है, सुबह से सरप्राइज पे सरप्राइज, पहले कॉल किया और अब ये तोहफा। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे? मुझे लगता है मैंने कहीं मोबाइल गिरा दिया। आप कहीं भूल तो नहीं आए? वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अच्छा फिर आप एक काम करें ना, आप ये मेरे फोन से ट्राई करें, कॉल करें। बेल तो जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो मोबाइल इस वक्त आपके पास है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा अरे बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। जहाँ से तुम्हारे लिए बालियाँ ली वहीं पे भूल आया। खैर है, चलते हुए रास्ते में पिक कर लेंगे वहाँ से। ठीक है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि जिस तरह तुम तैयार हुई हो रास्ते में कहीं किसी की नजर ना लग जाए। किसी की नजर क्यों लगेगी, कोई देखेगा तो नजर लगेगी ना। मेरी तैयारी सिर्फ आपके लिए मोमिन, इसीलिए तो आज तैयार होना इतना अच्छा लग रहा है। चल भाई, आज मैं आप दोनों को अकेले जाने दे रही हूँ, आइंदा ये सहूलत ही मिलेगी। मैं देखता। अस्सलाम वालेकुम भाई। जबरदस्त, तुम लोगों ने तो सरप्राइज ही दे दिया मुझे। वो क्रेडिट मुझे जाता है, अगर इनके बस में होता तो ये पहले कॉल करके जो है इजाजत लेती हूँ। आप तो रहने ही दें, मैं अपने बाबा के घर की महारानी हूँ। क्यों अम्मी? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तुम लोग कहीं जा रहे थे? हाँ जा रहे थे, लेकिन अब नहीं जा रहे। अरे तो तुम लोग चले जाओ यार। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो थोड़ी देर, मैं आ रहा हूँ बस। देखिए मैंने आपसे कहा था कॉल करके आनी चाहिए थी, हमारी वजह से इनका प्रोग्राम खराब हो गया। अरे फरी, हमें जरूरी नहीं है जाना, चलो अंदर चलो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्यों क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ वो फोन भुलाया मैं एक जगह पे, बस लेकर आ रहा हूँ 5 मिनट में। मतलब शादी का असर सीधा दिमाग पे हुआ है, मैंने कहा था ना फरीद। आप तो बस ही कर दो, एक तो मेरे भाई का दिमाग है और एक आपका। आओ आओ।
सुनो बेटा, तुम मोमिन हो, आशी की खाला के बेटे। मैं आशी की। जी मैं जानता हूँ आप कौन है। बेटा बड़ी ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की, मुनासिब नहीं लगा कि तुम्हारे घर आकर तुमसे बात करती। देखो अल्लाह ने यहाँ मुलाकात करवा दी। खैरियत है आप मुझसे मिलना चाह रही? बेटा आशी बहुत अच्छी लड़की है, उससे अपने सारे पुराने गिले शिकवे खत्म कर दो। उसको मेरे गिले शिकवों की परवाह है क्या? और अगर है भी तो अब क्या फायदा? और एक बात और, आप लोगों को पता चला है वो बहुत अच्छी है। मैं तो तब से जानता हूँ जब लफ्ज मोहब्बत पहली बार पढ़ा था मैं। वो तुम्हें बहुत चाहती है बेटा, उसे अपना खुद को सजा दे रही है वो। क्या हो गया आपको? आप जानती हैं क्या कह रही हैं? आप बहू है वो आपकी। वो मेरी बहू होती तो मैं तुमसे इस तरह बात करती। बेटी है मेरी, मेरा बदनसीब बेटा तो शादी की पहली रात ही उसे छोड़कर चला गया था, और वो उसको अपनी सजा समझकर इतनी बड़ी बात छुपाए बैठी। पर अब तो फखर ने भी उसे तलाक दे दी है। बेटा वो बनी ही तुम्हारे लिए है, खत्म कर दो उसकी ये सजा। माया तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है तुम्हें और भाई को साथ देखकर। सल्ला बहुत मेहरबान है, दिलों के हाल जानने वाला है, कितना रहमान और रहीम है। भाई तुम्हारे जैसा ही लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी ना, तो भाई का साथ तुम्हें मिल गया। पता नहीं कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आखिर मैंने ऐसी क्या नेकी की, इसके बदले में मुझे मोमिन का साथ ही मिल गया। क्योंकि मैं तो जब भी पलट के देखती हूँ, सिवाय कोताहियों के और गलतियों के, मुझे मेरे दामन में कुछ नजर नहीं आता। पापा, मम्मी कह रही हैं वलीद भाई बोर हो रहे हैं। होने दो बोर अपने वलीद भाई को, मुझे माया से बातें करने दो। माया जरा बताओ, ये लड़की कुछ काम वाम भी करती है या सिर्फ अपने नए एग्जाम्स के चक्करों में? भाभी बहुत अच्छी है, एक काम नहीं करने देती मुझे। धर्म करो, काम से तो तुम्हारी वैसे ही जान जाती है। अच्छा छोड़ो, डांटो नहीं उसको। मैं पूरा दिन बोर होती रहती हूँ ना, इसीलिए आंटी के साथ लगी रहती हूँ। इसी बहाने कुछ ढंग से काम भी करना सीख लिया है मैंने। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? बस देख रही हूँ, तुम वही माया जिसके घर मैंने कदम रखा था तो सोचा था किस दुनिया में आ गई। तुमने तो ये भी सोचा होगा ना, ये कोई बिगड़ी हुई अमीर जाती है जो अपनी दौलत की जगह चौंध पर गुरूर करती है। सच बताऊं, यही सोचा था मैंने। भाई तुमसे एक बात पूछूं, जब तुम मेरे घर आई थी, तुम्हें मेरे घर में तन्हाई और वो वीरानी महसूस हुई थी जो मेरी जान ले रही थी, क्योंकि उस घर में सब कुछ था, सुकून नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। और जब से मैं यहां आई हूं, मैंने अपनी जिंदगी का असल मफहूम यहीं पाया। एनी, बेटा तुम भी यहां आकर बैठ गई। मम्मी बस हम बाहर ही आ रहे थे। लेकिन आज तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दो। नहीं अम्मी, वो वलीद के रिलेटिव्स की यहाँ दावत है आज, तो फिर कभी आ जाएंगे। चलो चलो ना, तुम तो आओ। ये भाई कहाँ रह गए? उन्होंने तो कहा था अभी आ रहा हूँ वापस। नहीं मैं कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे,
जो लगता है रास्ते में होंगे। हो सकता है। वो तुम्हें बहुत चाहती है बेटा, उसे अपना खुद को सजा दे रही है वो। मेरा बदनसीब बेटा तो शादी की पहली रात ही उसे छोड़कर चला गया था, और वो उसको अपनी सजा समझकर इतनी बड़ी बात छिपाए बैठी। पर अब तो फखर ने भी उसे तलाक दे दी है। बेटा वो बनी ही तुम्हारे लिए है, खत्म कर दो उसकी ये सजा। होती हो तुम, अपने घर क्यों नहीं जाती? चली जाऊंगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तुमने कहा था मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। तन्हा सजा काटते रहना धोखा नहीं तो और क्या होता है आशी? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। काश बता दिया होता खाला जान आपने, कम से कम अपनी बेटी पे इतना रहम तो खा लेती आप। इसने तो हमें खबर तक नहीं होने दी बेटा, हमें तो जब पता चला जब सिर्फ रहम ही आ सकता था, इसके दुख का दरमा नहीं हो सकता। किसने बताया तुम्हें? जरूरी ये नहीं है आशी के किसने बताया, जरूरी ये है कि तुमने छुपाया। एक दफा आवाज दे देती, एक दफा पुकार के तो देखती मुझे। तुम्हें याद है ना जब तुम छोड़ के जा रही थी मुझे कैसे तड़पा था मैं? तुम्हारी उस तड़प का खराज ही तो अदा कर रही थी मैं। किस मुंह से कहती कि तुम्हारी आशी को फखर ने छोड़ दी? आशी तुम्हारी, आशी मेरी है, आशी हमेशा से मेरी। यहां से जाने के बाद भी मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि आशी किसी और की हो सकती। तुम्हारे यकीन नहीं तो तुम्हें पुकारने नहीं दिया था कि तुम मोहब्बत के यकीन करने के किस दर्जे पर थे, और मैं तुम पर लगी तोहमत का यकीन करने वालों में सबसे आगे थी। कोई शिकवा कोई शिकायत की तुमसे? आशी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, और ये जो लफ्ज मोहब्बत है ना, जब उसका मफहूम समझा तब से मोहब्बत करता हूं तुमसे। और कैसे कैसे सोच सकती हो तुम ये कि मुझ पर बदगुमानी की खुद को सजा दोगी और मेरी तड़प खासाला हो जाएगा? आशी
मुझे नहीं बताना था ना बताती, लेकिन कम से कम खाला और खालू को बताती, वो गिरेबान से पकड़ते फकर को। मैं तो खुद को यह समझाता कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे बारे में सोचना गुनाह है, और काश काश ये गुनाह मैं कर लेता, लेकिन तुमने क्या किया? यहां से रुखसत होने से पहले हमारी मोहब्बत को इतना गहरा दफन कर दिया, बेएतबारी और बेयकीनी के कफन में लपेट कर। तो इतनी हैसियत अपने आप को, तुम्हारे जाने के बाद एक लम्हे के लिए भी मैंने नहीं ये सोचा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। काश तुमने भी मेरी मोहब्बत का मान रखा होता। रुको मोमिन, तुमसे तब से मोहब्बत की जब से मोहब्बत के मफहूम की समझ भी नहीं थी। ये मोहब्बत मेरी जिंदगी है, जब तक सांस ले रही हूं ये मोहब्बत मेरे वजूद में दौड़ती रहेगी। अरे साहब के बगैर हाशी मेरा बच्चा, हाशी तड़प उठा है वो तुम्हारे इस कारनामे पर। उसे कैसे बताया अभी? इस सवाल का जवाब जरूरी नहीं है बेटा, उसे कभी ना कभी तो पता चलना ही था। उसे लगता है, मुझे लगता है कि मैंने उसकी मोहब्बत का मान नहीं रखा। बेटा तुमने तो हमारी मोहब्बत का भी मान नहीं रखा। अगर अगर पापा ने मोमिन को बताया ना तो ठीक भी किया उन्होंने, उसकी जिंदगी में तो पार खड़ा कर दिया उन्होंने। मेरी जान, तुम्हें उस तूफानों को तो अंदाजा ही नहीं जिसे तुम अकेली लड़ती आ रही थी। मोहब्बत करने वाले तो दुख में तड़प जाते, मोमिन का तड़पना बनता है अब। जान बस इसी बात से तो डरती थी मैं, इसी बात से तो डरती थी मैं। तुम्हारी उस तड़प का खराज ही तो अदा कर रही थी मैं। किस मुंह से कहती कि तुम्हारी आशी को फखर ने छोड़ दी।
रुको मोमेंट, मैंने तुमसे तब से मोहब्बत की जब से मोहब्बत के मफहूम की समझ भी नहीं थी। ये मोहब्बत मेरी जिंदगी है, जब तक सांस ले रही हूं ये मोहब्बत मेरे वजूद में दौड़ती रहेगी। भाई आ जाएंगे, रास्ते में उनको कोई मिल गया होगा, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। कोई मिल भी गया ना तब भी उसे इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी, पता भी था कि बहन और बहनोई घर पर आए। कुछ पता चला? नहीं आंटी, उसे असल फोन ही उनका ऑफ जा रहा है। हो सकता है चार्जिंग खत्म हो गई हो, वो डेली घर आके फोन चार्ज करते हैं और आज मौका ही नहीं मिला उन्हें। ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे फिर भी बहुत फिक्र हो रही है, वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। अल्लाह खैर करे। आपा का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। भाई घर आए? नहीं अभी तक नहीं आए, आप अम्मी से बात कर लें। हेलो, हाँ बोलो फरी बेटा। अम्मी भाई अभी तक घर नहीं आए? नहीं आया अभी तक, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, फोन भी बंद जा रहा है उसका। फोन पर तो मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ। अम्मी भाई ऐसी लापरवाही का मुजाहिरा कभी करते तो नहीं है? बस तुम दुआ करो कि सब खैरियत हो। मैंने तो ये सोच के फोन किया था कि भाई से बात हो और मैं खूब डांटू उन्हें। आ जाएगा ना तो खूब डांटना उसे। आप परेशान नहीं हो, आ जाएंगे। एनी को फोन दीजिएगा। हाँ ये लो। जी आपा। प्लीज जैसे ही भाई घर आए मुझे फौरन बता देना, परेशान ही कर दिया उन्होंने। ठीक है आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोमिन आप आ गए, सब खैरियत है? मोमिन ये तुमसे कुछ पूछ रही है, तुम जानते भी हो हमारी जान सूली पर लटकी थी, कहां चले गए थे तुम? खाला की तरफ चला गया। अरे घर में तुम्हारे बहन बहनोई आए थे, उन्हें तुम कहकर गए थे कि अभी आता हूं और तुम अब आ रहे हो। मोमिन आंटी मैं पूछती हूँ। रुको बेटा, पहले मुझे बात करने दो इससे। मुझे पता तो चले खाला के घर जाने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी इसे। मोमिन तुम्हारे चेहरे की संजीदगी देखकर खौफ आ रहा है उसे। तुम जब गए थे तब तो बहुत खुश थे, क्या हुआ? इतनी बड़ी बात आपने छुपाई कैसे मुझसे? कौन सी बात? अब ये मत कहिएगा कि खाला ने कुछ नहीं बताया आपको। क्या नहीं बताया? और अचानक तुम्हें खाला की तरफ जाने की क्यों जरूरत पेश आई? आशी से मिलने गया था मैं। आशी आई भी है क्या? आई भी नहीं है अम्मा, वो आ ही गई है, क्योंकि जो उसे लेके गया था भाग गया है वो। भाग गया क्या मतलब? उसने नहीं अपनाया आशी को। अपनाया या नहीं अपनाया, निकाह तो किया ना। तलाक देके भाग गया उसे वो। आशी बिल्कुल तना हो गई और इस हालत में मैं उसे तना नहीं छोड़ूंगा।
खैरियत है आंटी? बेटा वो कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लेना, सदमे में है अभी। मैं खाना लगा दूं? अगर खाना नहीं खाएंगे तो चाय बना देती हूँ। सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया, यूं ही चले गए थे। मैं प्लीज तला छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना, जस्ट लीव मी अलोन। आपने मोमिन को बताया आशी के बारे में? मोमिन को? नहीं तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। क्या हुआ? उसे खबर हो गई है। आया था, बहुत दुखी था कि आशी ने सब कुछ खामोशी से सह लिया। और क्या कह रहे थे? बहुत मोहब्बत करता है आशी से अभी। तुम्हें क्या लगता है कि मोमिन आशी के बारे में फिर से वैसी सोचेगा? जो आप सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं है जमील। प्यार करता है तो फिर मुश्किल आसान कर लेगा वो। कहना चाह रहे हैं? तुम्हारी दुआओं में बहुत असर। वो कैसे? तुमने दिल से दुआ मांगी थी तो मैं मिल गया तुम्हें। सच्चे दिल से की जाने वाली दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता।
तुमने ये भी दुआ की थी ना कि मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। बेशक मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई, जिसको गवा देने के दुख ने मुझे अधूरा सा कर दिया था, उसके मिल जाने के एहसास ने मुझे फिर से मुकम्मल कर दिया।